जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें हमने 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को लिया है जो भारतीय संस्कृति धर्म शास्त्रों के ऊपर वीडियो बनाता है। इसे नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 का मिल चुका है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। और इसके वस्त्रों पर आपने थंबनेल में ध्यान दिया हो तो देखा वो पुरानी भारतीय संस्कृति के वस्त्रों को पहना। जब पीएम मोदी ने इनको कुछ बोलने को कहा तो इन्होंने धर्म शास्त्रों पर क्या बोला इस बच्चे ने? इस बच्चे का नाम अरिदमन है और किस तरीके से बातें की इसने हमारे धर्म के बारे में, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। माइक्रो क्रिएटर और इस कैटेगरी के विनर हैं अरिदमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे। आइए आइए, बैठिए। अब आप बताइए। लक्ष्मी है वदन पर ब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं धर्म शास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्म चक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है। और इस धर्म चक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्म चक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये धर्म चक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति नहीं है जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है, अपितु अपने जीवन के अंदर इस धर्म चक्र को धारण भी करना है। और इसके अंतर्गत कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई पूजा पाठ या विधियां नहीं आती है। आज मैंने जो वेशभूषा पहनी है, बहुत से लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई सन्यासी हूँ, कोई बाबा हूँ, कोई तपस्वी हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं एक सामान्य बालक हूँ जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है, ये भारत का सबसे पुराना परिधान है जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूँ। और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूँ। और उस के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते। आप अरि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अरि का दमन कैसे करते हैं? प्रथम तो अरि अंतर्मन के शत्रुओं का ही दमन करें, और बाहरी शत्रु बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रु भी होते हैं, अंतर्मन के शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है। और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूँ, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बच्चे के लिए प्रभु श्री राम के नाम का कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, क्या मानना है ऐसे बच्चों के बारे में? मेरा तो ये मानना है कि भारतीय संस्कृति को पढ़ने और धर्मशास्त्र पर यह वीडियो बनाने वाला बच्चा, जिस तरीके से पीएम मोदी के सामने इसने जो अपना वक्तव्य या भाषण दिया है ना, मैं भारत के कई शहरों में, जैसे यूपी के रहने वाला हूँ मैं, तो मैं यूपी के कई शहरों में गया हूँ, तो वहाँ पर अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों से मिला हूँ, तो उनके बोलने का लहजा और तरीका रिधम ऐसा नहीं होता जिस तरीके से इसने भारत की व्याख्या की है। उनको भी इतना भी भारत के बारे में नहीं पता होता। तो मैं तो ऐसे बालकों को नमन करता हूँ। और आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर रखिएगा। मैं समझता हूँ ऐसे बालकों की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कॉन्टेंट हमारे चैनल पर आता रहता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।